अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे। एंड मैं कर रही हूँ अपना सहरी, क्योंकि आज शब महराज है एंड मैंने सोचा कि मैं रोज़े पे बैठती हूँ, तो बस मैं अकेले सहरी कर रही हूँ। तैयारी करते करते थोड़ा सा लेट हो गया, तो जल्दी जल्दी से सहरी करते हैं अजान से पहले एंड उसके बाद मिलते हैं। तो आज सहरी में मैं खा रही हूँ राजमा चावल विद सम अचार एंड विद सम नमकीन चाय। सो जल्दी जल्दी से अपनी सहरी खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं एंड आज का प्लान बताती हूँ आज क्या क्या करेंगे। तो अभी ना लंच टाइम हो गया है, मैंने क्या बोलते हैं सालन को चढ़ाया हुआ है सिट्टी के लिए, मैंने दाल बनाया था, तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरियसली आई एम रियली सॉरी सबको, शबे महराज मुबारक। मैं विश करना भूल गई थी एंड अभी तक जो मैंने रोज़ा रखा था अभी वो अच्छा जा रहा है, कोई भी भूख वूख प्यास व्यास नहीं लग रही है, अभी देखते हैं। एंड आज जो है कल एंड जो 7th and 8th of February को दुसमुचे था, जो कि लद्दाख में एक मेला होता है, उसको पूरा हिस्ट्री नहीं मुझे पता है। बोलते हैं कि जब दुसमुचे होते हैं ना उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है, थोड़ा ना सर्दी कम हो जाती है। एंड ये बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं एंड इस दिन बुद्धिस्ट जो रिलीजियस के होते हैं वो लोग पूजा वगैरह करते हैं एंड जो भी मार्केट में जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो सब सेल लगाते हैं, मेला जैसा होता है, खाना वाना बेचते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेला ही समझो। आईलाइनर लगाने की कोशिश करूंगी गाइस, विश मी लक। बीइंग अ गर्ल मुझे सबसे हार्डेस्ट लगता है आईलाइनर लगाना, परफेक्ट भी बना। सो गाइस आई एम रेडी टू गो एंड आज बहुत सनी सनी मौसम है एंड दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। एंड ये कोट आप लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट एक व्लॉग में मैंने बोला था जब मम्मा के साथ वो पत्थर साहिब घूमने के लिए गई थी ना, तो मुझे एक शॉप से ये वाला पसंद आया तो आई बॉट दिस वन। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग इज़ कि आई बॉट इट इन माई विथ माई ओन मनी, सो दैट्स द थिंग। सो अभी चलते हैं, लेट हो गए, ठीक है। ऐसे ना बर्फ बर्फ नहीं, आइस पे चलना इससे सेटिस्फाइंग, डर भी लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस, पूरा पेंटिंग जैसा लग रहा है ना, दिस इज सो ब्यूटिफुल। अभी गाड़ी भी मिल रही नहीं मिल रही मुझे, दिस इज आवर विलेज, यहाँ पे गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है अल्लाह से नंटल हमारे पास खुद गाड़ी ना हो। गाइस हियर इज द अपडेट, हमारा गांव ना बहुत अच्छा है सिवाय एक चीज की, यहाँ पे गाड़ी टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड अभी मैं चल के जा रही हूँ, एटलीस्ट जंपा तक, फिर वहां से बस मिलेगी। देखते हैं कुछ तो कैलोरीज कम हुआ होगा, बट लेट्स सी। एंड हियर कम्स आवर इमाम बारगा, तो हमारे साइड का इमाम बारगा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, इट्स प्रीटी राइट। So let's explore.
जाने से मुझे पूरा ना ले मैं इसको यार लो खबर बता ना खुले में दिया यूं निमर्च नरा घटा खुलते हैं उससे दम पार्सल नोट का तो लाले पता था कुंजु कुंजु का तो नंबर सीज़न ने कहा यूं चार ले बनो खुद तो सामने मरा अस्सलामुअलैकुम हाय गाइस तो गाइस बस यहाँ पे पहुंच गए एंड यहाँ पे पहुंचते इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जैसे कि सॉफ्ट टॉयज एंड यहाँ जो हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पहनते हैं जिसको ट्रेडिशनल जो स्टोन्स होते हैं वो, एंड यहाँ पे ये शेल्स का बना होता है, ये शादी के टाइम पे लगाते हैं। तो बस वही ट्राई करके देख रही थी एंड ये बहुत ही अच्छा साउंड करता है टक टक करके ना, इससे सलाम करते हैं। एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना एंड इतने ये ना चीज़ें निकाली थी, फिर कंफ्यूज हो रही थी, फिर मुझे जीन्स देखना था बट ज़्यादातर जीन्स ऐसे फटे हुए थे मतलब ना फैशन के लिए, बट मैं नहीं पहन सकती थी। एंड यहाँ पे ऐसी कुछ क्यूट क्यूट से चीज़ें थी जिसको मैं बस एक्सप्लोर कर रही थी ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे मोटे लॉटरी लगा रहे थे तो बस हमारे लिए इन्होंने ट्राई किया, तो वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, मैंने तो ट्राई नहीं किया क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो ये जो भाभी थे उनको यहाँ पे 20 रुपए के टिकट पे आया था 5 रुपीज का टॉफी विच वॉज अ कम्प्लीट लॉस। फिर 2-3 बार इन्होंने ट्राई किया, मैंने तो एक बार ही नहीं किया। फिर यहाँ पे क्रॉकरी सेट्स भी थे बहुत प्यारी प्यारी एंड सेल पे मिल रहे थे। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जैसे यहाँ पे ये वाइन ग्लास एंड ये इसको जो भी मतलब कुछ भी पी सकते हैं इसमें कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। फिर यहाँ पे ऐसे ट्रेडिशनल जो टेबल होता है हैंडमेड वो भी था, कालीन्स भी थे। फिर यहाँ पे BTS के कुछ नोट्स वगैरह स्टेशनरी की चीज़ें भी मिल रही थी एंड डेकोरेशन की चीज़ें भी मिल रही थी। फिर यहाँ पे मुझे ये वाला पसंद आया BTS का बट लिया नहीं। तो ये वाला जो है वो हमारे ट्रेडिशनल इसको ना कुकीज़ वगैरह रखने के लिए है जो कि पार्टीशन भी था इसमें एंड इसको रिमूव भी कर सकते थे ताकि अच्छे से यूज़ हो। एंड यहाँ पे फेकोर वगैरह भी थे जिसमें हम ये सत्तू का पाउडर रखते हैं। फिर यहाँ पे और भी डेकोरेशंस की चीज़ें थी जैसे ये, फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी बेच रहे थे ऐसे ना दादियाँ बड़े बड़े। फिर बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों की कितना बड़ा भीड़ है। फिर यहाँ पे जूतीज भी बहुत अच्छी मिल रही थी, कलेक्शन अच्छी थी बट फिर भी मुझे ना बाहर के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा था तो मैंने नहीं लिया। इसके बाद हम पोलो ग्राउंड से वापस ले मेन मार्केट साइड पे आए तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी जैसे कि आप सब देख सकते हैं एंड बहुत सारे लोग आए थे। फिर इन्होंने बहुत सारा ये सामान लिया था जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी स्पेशली ना किचन का सामान। तो गाइस मैं रोजे पे हूँ और ये लोग खा रहे हैं मेरे सामने, अब मैं ऐसे ही बैठूंगी इनको देखूंगी देख देख के ASMR करूंगी। सो कोई नहीं, मैं पैक करके ले जाऊंगी और घर पे खाऊंगी। बेशरम चीज फुल माउस इस मोहतरमा की वजह से हम लेट हो गए, ठीक है। ये पिज्जा खाती रही एंड मेरा इफ्तार लेट हो गया एंड मुझे मोमो और समोसा कुछ भी नहीं मिला किसकी वजह से, किसकी वजह से। फिर अभी फिर से बोल रही थी अभी ना फिर से सामान लेना, एक बार फिर राउंड मार के आते हैं फिर तो डिनर का भी टाइम चला जाता। अभी देखो शाम हो गई है गाइस, आई एम लेट फॉर माई इफ्तारी, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ रामेन, इंस्टेंट रामेन, दैट्स ऑल आई कैन डू। गाइस जस्ट पहुंचे हैं बाहर, अभी जस्ट अजान हो रही है एंड मैं लेट हो गई इफ्तारी के लिए। तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि वेट पहले मैं इफ्तार तोड़ती हूँ उसके बाद बातें करते हैं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई गाइस, तो बात करते हैं।
तो गाइस अभी बात करते हैं, पहले इफ्तार तोड़ते हैं, देखो मैं कैसे तोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الله اكبر الله اكبر पापा चाय बना के गए। एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम लेट गए थे, लाइक वो लोग जो मेरे भाभी लोग थे ना, वो लंच वंच करके आए थे, यानी मैं यहाँ से नमाज पढ़ के गई थी लंच टाइम पे। फिर बहुत ज्यादा लेट हो गया, फिर लाइक मैंने सोचा था कि फिर बाद में वापस आते वक्त मैं कुछ खाने के लिए वहीं से पैक करके लाती हूँ इफ्तारी के लिए। एंड जब बहुत शाम हो गई ना, घूमते घूमते पता ही नहीं चला टाइम का, एंड फिर मिला ही नहीं कुछ, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, फिर कुछ बचा ही नहीं था खाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ जंपा से देखा तो जंपा भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। फिर मैं एक रामेन लेके आई हूँ, वो स्पाइसी वाला रामेन नहीं, नॉर्मल ना, नॉर्मल वाला रामेन, पिंक वाला, कार्बोनेरा वाला। अभी वहाँ पे पानी चढ़ाया हुआ है, अभी मैं रामेन खाऊंगी, तब तक मैं चाय पीती हूँ। ओह माय गॉड, हाँ मेरी हालत देख सकते हैं आप लोग। तो बस अभी फिर जल्दी जल्दी से अभी पहले खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं। तो मैं अभी रामेन बनाऊंगी, देखना कैसे बनाती हूँ, वैसे जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी, बट या स्टिल। तो गाइस मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लाया, जो भी दिखा खाने का मन किया वही लाया। ये लाया मैंने कैरामल वाला पॉपकॉर्न, जो कि लोकल प्रोडक्ट है, जो यहीं पे बना हुआ, मेड इन लद्दाख। तो एक लाया ये, जूस पीने का मन कर रहा था, पल्पी ऑरेंज, एंड प्लस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बोनेरा वाला बुलडक, ये थोड़ा कम स्पाइसी होता है एंड लाइक ज़्यादातर चीज का फ्लेवर होता है। सो लाइक फॉर दिस वन मैं दो लाया कल भी, किसी दिन और भी खाने के लिए। फिर ये वाला भी देखते हैं, अभी ये बनाएंगे। सो लेट्स मेक इट। This is my ramen and let's see how it tastes. So let's start our iftar. It's बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। फिर थोड़ा स्पाइसी है बट टॉलरेबल है। ओके, जब मार्केट जाते हैं ना, फिर घर पे पहुंचने का इतनी जल्दी रहती है, घर पे पहुंच जाए आराम से बैठ के ना, बस ऐसे खाए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या शॉपिंग किया, इतना नहीं किया, थोड़ा सा किया, बट जो भी लाया वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। मजा आ गया, अपना खाना एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। ठीक है, बाय। तो गाइस सो फर्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम दोस्त मुझे इज दिस ब्लैक कार्डिगन। ये वाला मैंने स्पेशली इसलिए लाया था बिकॉज आई लाइक द बटन्स, ये थोड़ा ना क्लासी वाला लुक दे रहा था। एंड मैंने दो ही कार्डिगन्स लाया था, एक ये एंड एक दूसरा, तो मैं उसको स्टाइल करके दिखा रही हूँ जितना भी मेरे पास अवेलेबल है क्लोथ्स। सो उस पर सो आई एम वेयरिंग विथ अ प्लीटेड स्कर्ट, जो कि लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में डाला था, आप सबको बहुत सारों को पसंद आया एंड कॉल कर करके पूछ रहे थे दूसरों से कि ये वाला कहाँ से लाया, ऑनलाइन लाया कि ऑफलाइन लाया। सो दिस इज द थिंग गाइज, एंड जो मैंने लास्ट टाइम संडे बाजार से लाया था जो ना लेस वाला हाई नेक, तो वो भी बहुत ही इस पर प्यारा लग रहा है, एलिगेंट लग रहा है एंड पिंटरेस्टी वाला वाइब दे रहा है। सो दिस इज माई होल लुक गाइज, सो डू लेट मी इन द कमेंट कि कैसा लगा। एंड अगर प्राइस की बात करें तो लेह में वैसे ना कम प्राइस पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड जो स्वेटर्स
शूज एंड जो जीन्स के जीन्स कोट की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इवन दो प्राइस बहुत हाई होता है। तो दोस्तों के दिन क्या होता है कि जो लाइक उनका मेला होता है तो मेले पे सेल पे लगाते हैं। देन आई गॉट दिस स्वेटर ब्लैक कार्डिगन फॉर 600 rupees। सो आई गेस एज कम्पेयर टू अदर लाइक मतलब अगर लेह लद्दाख की बात करेंगे तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट डील। तो एंड इट्स नॉट यूज्ड, इट्स नॉट थ्रिफ्टेड, यू नो इट्स न्यू ब्रांड न्यू। जो शॉपकीपर्स होते हैं ना मार्केट में वो इसको सेल पे लगाते हैं। तो सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट कार्डिगन विच आई बॉट फ्रॉम दोस्मोचे एंड इट्स काइंड ऑफ अ बीच एंड ये शॉर्ट कार्डिगन है तो ये बहुत मुझे प्यारा लगा। एंड आई थिंक एज कम्पेयर टू दैट ब्लैक वन ये इस वाले स्कर्ट पे ये वाला ज्यादा जच रहा है ना, लाइक इट्स रियली सूट, यू नो पूरा अच्छे से जा रहा है। तो उसको बस थोड़ी स्टाइलिंग की जरूरत है जो कि मैं इस बेल्ट के साथ पूरी करूंगी। ये भी थोड़ा बीच कलर का है तो ये इस कलर थीम के साथ जाएगा। अब बताइए कैसा लग रहा है। एंड मुझे ना ऐसे आउटफिट्स को स्टाइल करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड जो पिंटरेस्ट वाला वाइब देते ना एस्थेटिक वाला वैसा वाला वाइब। सो दिस इज द अनदर आउटफिट विच आई हैव स्टाइल्ड एंड इसको काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है, नॉट ओनली ऑन स्कर्ट्स विद जीन्स एज वेल। सो इसको ऐसे करेंगे एंड इस पे एक छोटा सा बैग उठाएंगे। हाँ इसी कलर का मेरे पास एक श्रीनगर में मेरे रूम पे एक बैग भी है एंड हाँ इसी कलर का हैट भी है, फिर कितना प्यारा लगेगा ना। सो दिस इज द नेक्स्ट आउटफिट एंड आई गेस दिस बेल्ट इज गिविंग मच मोर डिटेलिंग टू दिस आउटफिट आई गेस। एंड ये वाला मैंने लाया था फॉर 500 rupees एंड विच इज अ ग्रेट ग्रेट डील आई मस्ट से। 1100 में मुझे दो कार्डिगन मिला वो भी लेह लद्दाख में, आई कैन बिलीव इट गाइस, वो सिर्फ दोस्मोचे के दिन ही हो सकता है। एंड दिस इज द अनदर लुक एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा पसंद आया या फिर दोनों पसंद आया या फिर दोनों पसंद नहीं आया जो भी। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर में मुझे ऐसे लाइक आउटफिट वाला हॉल करना चाहिए कि नहीं। एंड That's it guys and बोल के ना मुझे लाइक आप लोगों के कमेंट का याद आया कि बोला कि लास्ट वाले जब मैं रैली के लिए गई थी ना तो उसमें मैंने बहुत सारा एंड बोला। तो होता है ना पहले मुझे सो बोलने की आदत थी, अभी मुझे एंड बोलने की आदत हो गई है। तो आई विल जस्ट ट्राई टू मतलब कंट्रोल माई सेल्फ नॉट टू से एंड वर्ड मतलब फ्रिक्वेंटली। सो दैट्स द थिंग एंड या आई एम लविंग दिस एंड इसके ऊपर बोला थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। इसके अंदर ना मैंने ये लेगिंग्स पहना है, फिर इस पे बूट्स जो मेरे ब्लैक कलर का बूट है ना उस पे इतना प्यारा जाएगा ना, माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड टू स्टाइल इट। एंड या नॉट ओनली स्प्रिंग सीजन, हम इसको ऐसे करके जैकेट भी डाल सकते हैं ऊपर से, ये कितना वो नहीं दिख रहा है। ओके एंड नाउ इट्स डन। Yeah, I'm loving this outfit, guys. I'm just loving it. इसको पहन के गुलमर्ग जाने में क्या मजा आएगा ना। And I'm thinking of buying this kind of skirt more. मुझे एक ब्लैक में तो चाहिए because black goes with everything. So अभी मैं ये वाला वीडियो जो है ये यही पे एंड करती हूँ एंड आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बाय।